अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ किचन फूड ज़ायका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अस्मा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चटपटी रेसिपी। जी हाँ, तो बिना गैस से बनने वाली मसाला भेल की रेसिपी। चलिए आइए, इसको कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर मैं ले रही हूँ एक बोल ले रही हूँ यहाँ पर मुरमुरे। तो यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए कोथमीर और पुदीना ले लिया है, फ्रेश है, जिसको मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। तो यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको मैंने चॉप कर रख लिया है। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को ले लिया है मैंने, उसको भी चॉप कर रख लिया है। तो यहाँ पर है हमारी चिप्स यानी कि लेस, और यहाँ पर है हमारे आलू भुजिया। जी हाँ, आलू भुजिया आप रेडीमेड भी बाहर से ले सकते हो, या नहीं तो आपके पास मोटी सी हो या बारी सी हो तो घर पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा काला खट्टा यानी कि खट्टी मीठी चटनी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्राई मसाले, सूखे मसाले। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून है हमारा लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून है नमक, और 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, और 2 पिंच है हमारा ज़ीरा पाउडर, और 2 पिंच है हमारा धनिया पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों से बना लेंगे झटपट बनने वाली हमारी चटपटी सी मसाला भेल, बिना गैस से बनने वाली चटपटी सी मसाला भेल। चलिए आइए कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छे से एक बोल ले लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हमारे मुरमुरे। अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारे सूखे मसाले। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, ये देखिए चटपटी सी है। अब हम इसको अच्छे से ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी कटी हुई कोथमीर और पुदीना। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटर, जी हाँ थोड़ा सा रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हमारी प्याज। अब हम इसमें डालेंगे हमारी खट्टी मीठी चटनी, जी हाँ। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें, ये 2 टीस्पून हम इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने सारे चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। जी हाँ, देखिए ये सारे मसाले हमारे इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हमने जो चटपटी खट्टी चटनी जो बनाई थी उसमें इसमें अच्छे से ऐड कर दिया है। देखिए ये एकदम परफेक्ट बन चुके हैं। तो अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। मैंने इस प्लेट में इसको डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर से थोड़ी सी हमारी कटी हुई प्याज, देखिए थोड़ा सा गार्निशिंग करने के लिए। अब हम डालेंगे कटे हुए जो हमने टमाटर को रख दिया था, वो हम टमाटर इसके ऊपर से अच्छे से डालेंगे। अब हम जो सेव लिए थे वो सेव हम अच्छे से इसके ऊपर से डालेंगे। जी हाँ, तो एकदम टेस्टी मीठा खाते खाते अगर आप बोर हो गए हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। तो हमेशा इस रेसिपी को याद रखेंगे और बार बार बनाकर इस रेसिपी को खाएँगे आप लोग। तो ये बहुत ही यानी बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स। तो अब हम डालेंगे इसके ऊपर हमारे लेस, या जी हाँ लेस तो हर घर पर होती है। जंक फूड हर किसी को पसंद होता है खाने में, तो हर किसी के पास घर पर अवेलेबल होता है। नहीं हो तो आप चिप्स ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, तो अब हम इसमें अच्छे से डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे इसके ऊपर से थोड़ा सा हमारा हरा मसाला, जी हाँ यानी कि कटा हुआ कोथमीर और पुदीना, कोथमीर और पुदीना। तो अब हम डालेंगे इसके ऊपर से थोड़ा सा हमारा काला खट्टा, देखिए देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन चुकी है फ्रेंड्स। देखिए तो झटपट से बन चुकी है हमारी रेसिपी, बनकर रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।